सो गाइस, आज मैं आपके साथ फिर से एक रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, आज मैंने लगाया अपने आईज़ पे काजल, वो तो मैं रोज़ ही लगाती हूँ, और मैंने लाइनर की जगह अप्लाई किया काजल। यस, आपको टू इन वन शेड में दिख रहा होगा, ये देखिए दिख रहा है ना मेरे आईज़ में। यस, मैंने यहाँ पे लगाया ग्रे काजल और यहाँ पे लगाया ब्लैक काजल। अब आप बोलोगे काजल काजल वो बता रही है क्या है ये। हाँ, मैंने यहाँ पे लगाया है पर्पल का कोल आई पेंसिल, आई मीन गो काजल। ये हाँ, सो मैं आज आपके उसी के बारे में बताने वाली हूँ और उसका रिव्यू प्लस डेमो दोनों देने वाली हूँ। सो प्लीज़ फुल वॉच कीजिए वीडियो को। एंड मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है दोनों में, अपने में लोअर लैश एंड अपर लैशेज पे दोनों पे अप्लाई किया है, और दोनों पे काजल ही किया है, लाइनर नहीं है बिल्कुल भी। अभी आप देखिएगा मैं किस तरीके से अप्लाई की हूँ। एंड अब इसके डिटेल में बता दूँ मैं आपको, ये मैंने परचेज़ किया है दो काजल, ये बहुत ही अच्छे हैं। इनकी क्वांटिटी वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया है, एंड फ्लेयर 30% ऑफ लगा हुआ है अभी इन पे। सो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक एंड कमेंट बॉक्स में अगर आप परचेज़ करना चाहते हो जाके चेकआउट कर लीजिए, ताकि आप भी परचेज़ कर सको और ऑफ़र चल रहा है तो अच्छा है, ऑफ़र में मिल जाए, क्योंकि मुझे भी ये ऑफ़र में मिले थे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बिना देर के। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार एक लाइक दे दीजिएगा प्लीज़। हाँ तो चलिए, इनकी अगर हम पैकेजिंग की बात करें तो ये देखिए कुछ इस तरीके की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता ही है, और यहाँ पे लिखा रहता है पर्पल कूल आई पेंसिल आई मीको और काजल। यहाँ पे इनके इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं सारे, एंड यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह दी गई है, और वेट दिया गया है, प्राइस दी गई है, एंड ये सब मेड इन जर्मनी है यहाँ पे लिखा गया है। और पर्पल का आपको पता ही, सारी चीज़ें इसी कलर की होती हैं कार्डबोर्डिंग। सो यहाँ पे मैंने दो शेड मंगाए थे, तो मेरे पास यहाँ पे एक है ग्रे कलर का एंड एक है ब्लैक कलर का। सो ये कुछ इनकी पैकेजिंग की बात करें तो जब इनको अनबॉक्सिंग हम करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से मिलते हैं, और ये कोई इस तरीके से करने वाले नहीं, ये नॉर्मली क्रेयॉन टाइप में है, आपको ये शार्प करके यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये ब्लैक कलर का है, जैसे ये ख़त्म हो जाएगा तो मुझे शार्प करना पड़ेगा, ये देखिए, और ये देखिए गौर से, ठीक है, शार्प करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है गोल्डन कलर से पर्पल कोल आई पेंसिल आई मीको मेड इन जर्मनी, और यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है इनका जो जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको, ये बहुत ही स्मूथली चल रहा है, बहुत स्मूथली चल रहा है, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है इसका। और ये देखिए, ये देखिए आप लोग है ना, अभी यहाँ पे मेरे पास ग्रे है तो मैं आपको ग्रे वाला भी दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर है, और आप ग्रे वाले में अगर आपको दिख रहा है तो थोड़ा सा शाइन दिखेगा आपको, ये देखिए ब्लैक वाले से ग्रे वाले में शाइन है, और ग्रे वाले में वो होता है ना चमकन, होता है एक ना स्पार्कल स्पार्कल है, वो आपको दिखेगा नहीं पर मुझे मेरे एंड पे दिख रहा है। यहाँ देखिए आपको दिख रहा है ना, ये देखिए थोड़ा थोड़ा आपको बीच बीच में दिख रहा होगा। सो ये है, अभी मैं आपको इसको वाटर टेस्ट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरे पास कॉटन है जिसमें वाटर है, ये देखिए मैंने इस पर वाटर डाल दिया, अप्लाई कर दिया, ठीक है, अभी ये देखिए नहीं आया ना, ये देखिए गौर से देखिए नहीं आया ना, वाटर टेस्ट भी करके दिखा दिया। सो गाइस, ये बहुत ही अच्छा है, वाटर टेस्ट है, क्रीमी टेक्सचर है, स्मूथ है, और अफोर्डेबल भी है। अगर इसकी क्वांटिटी की हम बात करें तो आपको दिख ही रही है कि पूरा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हमें ये मिलेगा, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हमें ये मिलेगा। बस शार्प करना है, यूज़ करना है, शार्प करना है, यूज़ करना है, आराम से हमारा ये, जब हमारा वो जो लैक में वगैरह के जो होते हैं हमें इस तरीके से वो रोटेट करने पड़ते हैं, वो वाला हमारा 1 month चलता है, तो ये तो हमारा आफ्टर 2-3 months चल ही जाना है। अगर हम डेली बेस पे यूज़ करेंगे तो, अगर हम कभी कभार यूज़ करेंगे तो आराम से चलेगा। और इसके मैं मैनुफैक्चरिंग की जो बात बताऊँ मैं आपको, तो मैनुफैक्चरिंग भी आपको 3 years तक मिल जाएगी। सो मैं चलिए आपको आइस पे अप्लाई करके दिखाती हूँ दोनों, ठीक है।
मैंने इस तरीके से अपने आईज पे अप्लाई किया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड आप इससे कई सारी चीज़ें कर सकते हो, लाइक आईब्रो ब्लैक वाले से आईब्रो फिल कर सकते हो। ज़रूरी नहीं काजल है तो लाइनर पे ही लगाओ, आप इससे स्मोकी आईज भी कर सकते हो। सॉरी आप इसे ग्रे, इसमें फोर शेड मिल जाएंगे, आप उनसे ब्लैक ब्राउन ग्रे एंड ब्लू फोर शेड हैं। आप चाहो तो लोअर लैशेज पे लगा, लोअर लाइन पे लगा सकते हो एंड अपर पे भी लगा सकते हो। सो मुझे तो ये बहुत पसंद आया, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट बताइएगा आपको नेक्स्ट रिव्यू क्या देखना है। मैं आपको रिव्यू भी दिखाऊँगी और मैं दिखाती हूँ आपको पूरा अच्छी तरीके से दिखाती हूँ कि ये आपके लायक है या नहीं है, ठीक है। सो अगर पसंद आए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अगर परचेज करना चाहते हो तो लिंक देख लीजिएगा, ओपन करके आपको पता चल जाएगा कि ये आपके लायक है या नहीं है। मेरे बोलने से भी कुछ नहीं होता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, लव यू बाई। एंड हाँ एक चीज़ और, फ्लैट 30% ऑफ आपको मिल जाएगा। सो बिना देर किए हुए अगर आप चाहते हो, आप सोच रहे हो कर लें, तो ये देर मत करना क्योंकि ऑफ़र कभी भी जा सकता है आपके हाथ से। सो बिल्कुल बिना देर किए हुए आप जल्दी जाइए और अगर चाहिए तो इसके बारे में और जान लीजिए और दे दीजिए।